नमस्कार दर्शकों, अभी हाल ही में एक आध्यात्मिक चेतना यात्रा जो है बहुत ही ज्यादा सुर्खियों में रही है, जो कि संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों द्वारा हर गली गली मोहल्ले मोहल्ले शहर शहर निकाली गई थी, सिर्फ और सिर्फ आने वाले 626वें कबीर साहिब प्रकट दिवस के उपलक्ष में सभी पूरे विश्व को निमंत्रण देने के लिए। और आज हम आ पहुंचे हैं सतलोक आश्रम, जहां पर संत रामपाल जी महाराज जी के पावन सानिध्य में 626वां कबीर साहिब प्रकट दिवस जो है आज संत गरीबदास जी महाराज के अमृत वाणी के अखंड पाठ से जो है शुरू हो चुका है। और इस समागम का जो आज है पहला दिन है, तो आप देख सकते हैं हमारे पीछे की ओर की आश्रम में जो ये मेन एंट्रेंस गेट है वो कितने अच्छे तरीके से इन्होंने डेकोरेट किया हुआ है। अंदर जाने से पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि देखिए, ये जो है यहाँ पर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए जो है यहाँ पर फोर व्हीलर की पार्किंग व्यवस्था की गई है। वहीं दूसरी ओर जो है टू व्हीलर्स और थ्री व्हीलर्स के लिए जो पार्किंग की व्यवस्था जो है आश्रम की तरफ से की गई है। विभिन्न गांव शहरों से जो है दूर दूर से संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी जो है इस समागम में आए हैं। देखिए, एंटर करते ही यहां पर आपको ये बड़े बड़े जो है होर्डिंग्स और ये आपको दिख जाएंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है संत रामपाल जी महाराज जी के मुख्य उद्देश्य, जो कि इन्होंने अपनी उस शोभा यात्रा का भी एक निकालने का मेन पर्पस था कि भ्रष्टाचार और नशा और दहेज मुक्त जो है भारत बनाने का बेड़ा जो है संत रामपाल जी महाराज जी ने उठाया, आप देख सकते हैं। और देखिए, जैसा आप मेरे पीछे देख सकते हैं, अब हम यहाँ पर जो है मौजूद हैं सतलोक आश्रम कुरुक्षेत्र के मेन गेट पर। और देखिए कि कितने अच्छे तरीके से उन्होंने इसे डेकोरेट किया है, आप देख सकते हैं जिस तरीके की डेकोरेशन हमें यहाँ दिख रही है। और आप भी देख रहे होंगे कि ऐसा लग रहा है कि इनके अनुयायी जो है यहाँ पर एकत्रित हुए हैं या किसी फेस्टिवल को सेलिब्रेट कर रहे हैं। आप देखिए कितने अच्छे तरीके से इन्होंने हर चीज़ को डेकोरेट किया है, प्लस साफ सफाई का भी पूरा ध्यान यहाँ पर रखा गया है। हम अंदर की ओर आ चुके हैं, जहाँ तक हम नज़र दौड़ा रहे हैं वहीं जो है संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं अनुयायी हैं हमें दिखाई दे रहे हैं। और हम आपको बताते हैं कि जो ये 626वां कबीर साहिब जी प्रकट दिवस जो ये मनाया जा रही है, सिर्फ भारतवर्ष में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी जो है मनाया जाएगा। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और यूरोपियन कंट्रीज में भी जो है संत जी के अनुयायी इसी तरीके से उसको सेलिब्रेट करेंगे। और देखिए, आने वाले जो श्रद्धालु हैं, इतना गर्मी का मौसम है और उन्हें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो तो उसके लिए फर्स्ट एड ट्रीटमेंट भी यहाँ पर अवेलेबल है। और आगे की ओर देखिए, यहाँ पर एक पुस्तकालय भी है जहाँ पर जो है संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा जितनी भी पुस्तकें या उनके जो भी लिटरेचर्स हैं यहाँ पर सब कुछ अवेलेबल है। उनके पोस्टर्स, उनकी फोटोज या फिर और भी प्रचार सामग्री आप देख सकते हैं। वहीं दूसरी ओर जो है देखिए, भंडारे की व्यवस्था की गई है। आइए भंडार गृह में चलते हैं और देखते हैं वहाँ की थोड़ी क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं। और यहाँ पर जो है मेरे पीछे के और भाइयों के लिए जो है पुरुषों के लिए खाने पीने की व्यवस्था की गई है। और वहीं दूसरी ओर जो है बहनों के लिए खाने पीने की व्यवस्था की गई है, हम आपको वहाँ भी लेकर जाएंगे। अभी आप यह देखिए, यहाँ पर जो है पुरुषों की खाने पीने के लिए भाइयों के खाने पीने की व्यवस्था की गई है और भाई जो है वही परोस रहे हैं इस खाने को। और देखिए, साफ सफाई का ध्यान जो है विशेष रूप से कितना दिया गया है। अब हम जो है आ चुके हैं महिला भंडार गृह में। देखिए, बहनों के लिए भी है इसी प्रकार से खाने पीने की व्यवस्था की गई है। और देखिए, छोटे छोटे बच्चे किस प्रकार से जो है सेवा कर रहे हैं, सफाई का विशेष रूप से यहाँ पे ध्यान रखा गया है। इन गुड़िया से ही हम बातचीत करते हैं। हेलो बच्चा। यस, हेलो। क्या नाम है आपका? अंजलि दासी। कहाँ से आए हो? मैं शाहबाद से। आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? सेवा कर रहे हैं। आप यहाँ पर सेवा कर रहे हो, तो आप लोग यहाँ पर क्यों आए हो? संत रामपाल जी महाराज कबीर परमात्मा के प्रकट दिवस पर आए हैं और यहाँ पर भंडारे में आए हैं और यहाँ पर सेवा कर रहे हैं। भंडार गृह में जो है एक यहाँ पर भक्तों की जो है एक लाइन भी लगी हुई है, इन्हीं से जानते हैं कि क्या कुछ है ये टब्स के अंदर और क्यों लगाई है इन्होंने ये लाइन। नमस्कार सर। सत साहिब जी। सर, क्या नाम है आपका? विनय दास जी। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपके यहाँ भंडार गृह में ये जो टब्स में आपने क्या कुछ लिया हुआ है और क्यों लगी है ये लाइन? जी, इसमें हलवा प्रसाद है और ये मतलब कि जैसे हमारे गुरु जी के जो हमारा कबीर साहिब जी का प्रकट दिवस आज, तो उसमें उस उपलक्ष में ये भोग लगेगा उनको हलवा प्रसाद जी का। हाँ जी सर। ये फिर मतलब इसका कुछ अमाउंट कितना हमने बनाया है, कितना तैयार हुआ है? जी, ये लगभग 20 से 25 हज़ार भक्तों का एक बारी में बनता है, ठीक है, और इसी तरह से 2 से 3 बार बनता है दिन में।
महादेव को इसका भोग लगेगा। तो आइए हम थोड़ा और भंडारे की व्यवस्था देखते हैं कि आने वाले 3 दिनों में जो है खाने में विशेष रूप से क्या कुछ बनने वाला है। देखिए इस 626वें कबीर साहिब प्रकट दिवस पर जो संत रामपाल जी महाराज जी ने पूरे विश्व को जो है आमंत्रित किया है निशुल्क और विशाल भंडारे के लिए, तो उन्हीं के सेवादार या भंडारी सेवादार हैं, ये बातचीत करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर क्या नाम है आपका? रामफल दास जी। सर कहाँ से आए हैं आप? मैं डिस्ट्रिक्ट करनाल गाँव कोंड। सर आपके गुरुदेव ने जो है इस प्रकट दिवस के उपलक्ष में पूरे विश्व को सादर आमंत्रित किया है इस भंडारे में आने के लिए, तो सर क्या कुछ विशेष रूप से बनने वाला है इस भंडारे में? इस भंडारे में सभी तरह के पकवान बनाए जाते हैं और परमात्मा के आदेश अनुसार ही ये भंडारा चलता है। निःशुल्क भंडारा चलता है, कोई किसी किस्म का दान नहीं लिया जाता, कोई किसी किस्म की सेवा नहीं ली जाती और परमात्मा के आदेश अनुसार यह भंडारा निःशुल्क चलता है और सभी व्यवस्था की जाती हैं। प्रसाद में सभी तरह की मिष्ठान, लड्डू, हलवा प्रसाद, पूरी राम, फुलका राम, सब्जी राम, 2-3 तरह की सब्जी बनाई जाती हैं और परमात्मा के आदेश अनुसार ये 3 दिन तक भंडारा चलता है और परमात्मा के आदेश से ये 3 दिन में संपूर्ण होता है। सर 3 दिन तक ये जो भंडारा है बिल्कुल इसी प्रकार से निशुल्क चलने वाला है? हाँ 3 दिन तक निशुल्क चलता है जी, कोई भी बिना नाम वाला भी आओ, सबके लिए भंडारा, खुला भंडारा है।